है टॉप बारालाचा, और पूरा ट्रैफिक जाम लगा है तो व्यू भी ठीक से नहीं मिलेगा। जो है यही है, अब हम दूसरी तरफ नीचे उतरेंगे। भाई 125 हार्ट रेट और 65 ऑक्सीजन हो चुका है, अभी अभी मैंने चेक किया। आपको दिखेगा भी नहीं क्योंकि बहुत उजाला है यहाँ पर। अभी 65 ऑक्सीजन में क्या ही होगा, एक सिलेंडर था वो मैंने उस मोहतरमा को दे दिया क्योंकि उनको चक्कर आ रहा था। अब हमारा दिमाग घूम रहा है, ठीक है सह लेंगे थोड़ा सा, चलता है। ओके आखिरी का कुछ स्ट्रेच वो देखिए वहाँ तक है, उसके बाद में निकल जाएंगे। आखिरी के कुछ तकलीफ भरे पल और फिर अपनी स्कूटी ने पार कर ली बारालाचा, सबसे खतरनाक पास हिमाचल का जहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है। तो भाई कमाल का मौसम बदल रहा है, अब यहाँ कुछ भी शूट नहीं करेंगे, सीधा निकलेंगे ठंड बढ़ने से पहले। ओ गाड़ी भी चढ़ नहीं रही है, ये देखिए। ओके चढ़ गई, इसको पावर नहीं मिल रही है। ओके तो वाटर क्रॉसिंग उस साइड से करते हैं, आई होप पाँव ना लगाना पड़े। ओके तो कर लिया हमने वाटर क्रॉसिंग, बहुत ही खतरनाक वाला वाटर क्रॉसिंग था। तो चली जाओ यहाँ से अपनी स्कूटी, यहीं से चलते हैं क्योंकि ये पत्थर थोड़े से ठहरे हुए हैं और पाँव लगाना पड़ा तो सूखी जगह मिलेगी। अभी उस तरफ चलते हैं। ओके निकल गए हम, तो दूसरी तरफ उतर रहे हैं अभी। यहाँ पर हैंडल पकड़ के भी सांस फूलती है, बहुत ही खतरनाक और दिक्कत भरा रास्ता भाई लोग। दिख तो आसान रहा है लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिम कर रहा हूँ, जोर जोर से सांस भी नहीं ले सकता, ठंडी हवा नाक में जाती है तो नाक दर्द करने लगता है, मतलब दिक्कत ही दिक्कत। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है अभी और ये देखो बर्फबारी आगे, तो अब यहाँ से भागना ही सही है। ये देखो बाइकर्स कैसे भाग रहे हैं, मौसम ने करवट ले ली है, आप देख सकते हैं या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन बर्फबारी शुरू हो चुकी है वहाँ ऊपर से, और वहाँ पर अभी मौसम पूरा बदल चुका है। हम तो बच गए, जो ठंड में फंसे हैं वो फंस गए। तो भाई साहब यहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी है और पूरा ब्लॉक भी हो चुका है, मेरा बैटरी भी डाउन हो रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। भाई साहब शूट भी नहीं कर पाया लेकिन खतरनाक सी बर्फबारी शुरू हो गई, ये देखिए। तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं है वरना मैं यहीं पर टेंट गाड़ देता। फिलहाल हम चलते हैं आगे, चलो भाई। ये देखो गाइस कितनी तगड़ी बर्फबारी हो रही है। अब गाड़ी से नहीं उतरेंगे, सीधा अपने स्टेशन पे जाके ही उतरेंगे। भाई बहुत ठंड लग रही है और तेज़ बर्फ़ गिर रही है, जो लोग बारालाचा अभी जा रहे हैं ना उनके लिए तो मैं दुआ ही करूँगा वो बेचारे सही सलामत पहुँचे। हम तो नीचे भाग रहे हैं और ज़्यादा नीचे, बहुत ही खतरनाक हो चुका है मौसम, बहुत ही खतरनाक। भाई लोग अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी भी मेरी सांस फूल रही है थोड़ा सा। बारालाचा पे मेरा हेलमेट और कैमरा के साथ हेलमेट ऊपर से नीचे तक लुढ़क के चला गया, वो मोहतरमा को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो मैंने उनको ऑक्सीजन दिया अपना वाला, पानी गर्म दे दिया और उनके चक्कर में मेरा हेलमेट गिर गया, कैमरा अच्छा हुआ टूटा नहीं लेकिन स्क्रैचेस आ गए। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है बारालाचा, खारदुंगला रोहतांग से भी खतरनाक है बारालाचा क्योंकि नज़दीक कुछ भी नहीं है, बहुत दूर है भाई साहब। तो भाई लोग फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सारचू, यहाँ पर रिवर है और उस तरफ जो ट्रकें दिख रही है आपको वो है
हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर एक चेक पोस्ट, यहाँ पर एक चेक पोस्ट और पार करते ही लद्दाख। तो अपनी स्कूटर ऑफिशियली पहुँच चुकी है अब लद्दाख। अब काम करना ये है कि मुझे बहुत सारा एडिटिंग वर्क करना है और टेंट लगाने के लिए और वो सब करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो पंचर वाले भाई साहब मिल गए, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये टेंट लिया है, पतरे वाला सादा सा। अब इसमें हम घुसेंगे, बहुत सस्ता है ये, यहाँ पर मिल जाता है, घुसे। चलिए घुस जाता हूँ अंदर। अपने बड़े भाई तो सो गए, वो बहुत थके हुए हैं और मुझे भी थकावट है। खाना मैंने ऑर्डर किया है, दो ब्रेड ऑमलेट बोले, अच्छे लगे तो और मंगाएंगे, और फिलहाल के लिए रेस्ट ले रहा हूँ। बहुत थकावट हो चुकी है, पैर दुख रहे हैं, एड़ियाँ दुख रही है, ठंड लग रही है, हाथ कांप रहे हैं, सांस फूल रही है, रूम भी दिखाई है। और जब तक रेस्ट नहीं करूँगा तब तक रिकवरी नहीं होगी। लद्दाख आसान नहीं है और उमलिंगला भी आसान नहीं है। और ये देखिए हमारा रूम बिल्कुल सादा सीधा, बस पतरे से बनाया जाता है ये रूम और अंदर से कपड़ा लगाया जाता है। जब बर्फ गिरती है तो सब निकाल के चले जाते हैं। मंगाया अपना ब्रेड ऑमलेट, मैंने ब्रेड ऑमलेट ही मंगाया क्योंकि वो जो दाल चावल वो सब थे वो पहले बनाए गए थे, मतलब अभी ख़त्म होने वाले थे, तो इसीलिए हमने कुछ फ्रेश बनाने को कहा तो ब्रेड ऑमलेट बनाया। और मैगी तो अपने पास है ही, वो तो कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा खा लेता हूँ और अपनी भूख मिटाता हूँ।